वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं तो ठीक हूँ। क्या आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बिल्कुल बड़े होंगे। और आज दशहरा का दिन और मैं हूँ अभी अपने मंदिर में। हम लोग 9 दिन तक थे बट 10वें दिन में बैठना पड़ता है, इसीलिए 10वें दिन में बैठे। और बड़ी मम्मी लोग ना अभी जा रहे हैं, अभी सनराइज हो रहा है। मैं आपको व्यू भी दिखा देती हूँ। बड़ी मम्मी लोग जा रहे हैं आज, देखो बाय गाइस। जा रही है, देखो माइके से आज कैसा लग रहा है मैथ से जाने में। और अभी पूछेगी बुआ जी तेल, गाइस तो आपको तेल पूछना भी दिखाएंगे हम, पूछोगे? तो दोस्तों हमारे गांव का ना रीति रिवाज होता है कि कुछ कोई भी जिसकी शादी हो जाती है वो ना ऐसे तेल पूछ के जाते हैं, मतलब दरवाजे में चावल फेंक के जाते हैं ताकि इनकी तेल फूले फले ना बुआ जी। तो अभी बुआ जी भी पूछेगी, तेल दिखाएंगे। तो दोस्तों बुआ जी पूछ रहे हैं यहाँ पे तेल, अंदर का भी पूछिए। तो बुआ जी भी जा रही है, अब देखो बुआ जी पूछ रही है यहाँ पे तेल। तो गाइस ये मंदिर के इस तरफ का व्यू है कुछ, और यह है तिमला का स्कूल, और ऊपर ना तिमला का गांव है वो। तो ये गांव है तिमला का, ये देखो यहाँ से इस तरह का व्यू है गाइस। देखो गाइस ऐसा व्यू है यहाँ का, ये है गाइस तिमला का प्राइमरी स्कूल, वही है ना सरिया। और ये है चरमा साइड का दूनाकोट गांव। और नीचे है गाइस चरम गाड़ है वो नीचे। मैं मंदिर की सफाई वफाई भी कर दी और अब घर जा रहे हैं, सारा कुछ रख दिया अंदर। सारे लाइट वाइट सब निकाल दिए, जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना तब लगाएंगे हम लाइट। और यहाँ पे बर्तन बर्तन भी रख रहे हैं, उस वाले में हमने सारे जो कमरे वगैरह थे वो सारे रख दिए। हमारा माँ को देखेंगे बना कर सब सामान हमें देखेंगे, हमने सब कर दिया है साफ सुफ। हम इन सामान को हम नीचे घर ले जाएंगे, आधा मंदिर में छोड़ दिया आधा घर ले जाएंगे। ये बाल्टी मंदिर की है और ये परात मिठाई खा रहे जाने की बहुत ही गंदा लग रहा है। सुमित प्रो से पूछते, सुमित प्रो कैसा लग रहा है? आज बहुत निसास लग रहा है। अब मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट पूजा में, नेक्स्ट पूजा साल एक में मिलेंगे, वहाँ मिलेंगे चंडीगढ़ गाइस। मम्मी सामान लेके जा रहे हैं, मम्मी चलते हैं। गाइस जा रहे हैं यार, अब बहुत ही गंदा लग रहा है आज मंदिर से जाने में। मम्मी का पहाड़ी लुक देखो गाइस, निर्मल इष्टदेव पहुंच गए नीचे। ये देखो इतना सामान लेकर आई हूँ मैं भी, कम्बल अम्बल, ऊपर झाड़ू वाड़ू सब लगाया, साफ सफाई करके अब चल रहे हैं हम लोग भी पिथौरागढ़ को, क्योंकि कल मेरे को देहरादून के लिए भी निकलना है और मम्मी लोग का स्कूल है। तो जाते हैं अब घर हम लोग गाइस। तो गाइस चलते हैं अब घर को। तो गाइस अभी हम लोग चाचा लोग के यहाँ छाछ में इसमें ले जाएंगे, इनकी है 13 गाइयाँ। ये देखो
दादा प्रणाम, चाची प्रणाम। बाप रे इतने बड़े, इसी को तो गड़ी रही है। हाँ यही तो असली, तो यही होता है फिर असली है। नहीं मेरे को गाइस इतने बड़े गड़ी लग रहा है इनके, मैंने नहीं देखे सच में आज तक इतने बड़े वाले। तो गांव में रहती नहीं, कहाँ से देखती बताना। गाइस इसी को पीना पीना लू है ना, इसमें ही गड़ी है। कितने में बेचा? 40,000 की मूली दे। चलो ठीक है, क्या डाल है ये मूली? नहीं तो ये पेठा। पेठा क्या करोगे इसका? सब्जी बनती है इसमें। अच्छा, तो गाइस अभी लेते हैं हम मीठा। ये देखो इनका किचन, मॉड्यूलर किचन है गाइस इनका गांव में। अभी तो सब बना, देखो जी पता है, मैंने सारा सुबह उनको खिला दिया कुत्तों को। मैंने कहा क्या पता आजकल जावे कल जाकर बना लूंगी। आज मैंने ये मिठा माने ना दोबारा से बना दिया है। पहले हाथ देखो यार, इतना मस्त हो रहा है ना चूल्हे में बना रखे हैं पहले। दिखा बनाए पलो भात, और आप लोग भी आ जाओ पलो भात खाने के लिए। देखो इन हसीन वादियों में पलो भात का मजा ले रही मैं। ये रहा पलो भात एंड टक्की। लंच वंच भी हमारा हो चुका है और काफी टेस्टी बना था आज पलो भात। पहाड़ी पलो इतना टेस्टी है क्या ही बताऊं, आनंद आ गया। तो अब हम लोग भी निकलते हैं घर के लिए। अभी बर्तन वर्तन धोती है मम्मी लोग, उसके बाद हम लोग जाएंगे घर। गाइस गलगल का पेड़ और ये है संतरे का पेड़, तो मैं ना देखती हूँ यार पकाया नहीं पकाया, कर दिया अला पीला जैसा लग रहा है, तोड़ती हूँ इसको मैं। और वो देखो ऊपर ना इतने सारे संतरे लगे ना इसमें, क्या बताऊँ। तो ऊपर भी पक रखे हैं यार मम्मी, मम्मी ऊपर पे बहुत पके हैं यार। ऊपर देखो मम्मी तोड़ रही है, और पीले पीले वाले हुए ना जो, ये क्या पता पके हैं। देखते हैं इनको, वो ऊपर का तोड़ सबसे ऊपर इस साइड आ गया ना। हाँ हो गया, यही मैंने चोक भी तोड़ दिया मेरे लिए। ये देखो माल्टे का पेड़ हमारा, बहुत माल्टे लगे इसमें, पर अभी ना कच्चे हैं, पके नहीं अच्छे से। दिसंबर जनवरी में तोड़ते हैं। अब ये हो तब दिवाली में पक जाएंगे ना हम, तब ले जाना जूस भर आएंगे। अरे अंशु पापा बाहर ले गए थे इसको, नहीं तो सही दम लगा दिया मुझे। ठीक है इसको पकड़ा, सही दम लगा दिया। ठीक है मेरे को जा रहे हैं अब। ऊपर भी लगाया था बंदे ने, मैंने मुंह धो दिया था तो मिट गया। दोबारा लगा रही गाइस हम। और बनाम जी हमने बोला तो रहने दो, रहने दो, रहने दो, रहने दो। तो गाइस हमारे दे देखो नोट मिल गया है, अब चलते हैं ना। सबको लग गया है ना गेम में, कोई तो पापा को नहीं, बड़े पापा को नहीं। हां पापा को लगा दिया नाम बच्चे लोग नाम जाना मतलब जाना। गाइस अब चल रहे हम लोग हैं, मेरी आमा बाय गाइस बोलो आमा। आना नहीं आओगे तो फिर हम आएंगे। ठीक है तो गाइस जा रहे हैं, मैं स्कूटी में जा रही हूँ, मम्मी लोग कार में जा रहे हैं, चलते हैं। तो गाइस चलते हैं अब। चाचा कहाँ हैं? ओ काका। ठीक है चाची पे नाम बाय जा। ठीक है ना, ठीक है। यहाँ का नज़ारा कुछ ऐसा है, मम्मी लोग आ रहे हैं आगे से, मैं चलती हूँ। मैं सिंगाली से आगे पहुँच चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ स्कूटी में, और पहुँची मैं ओगला, और ये ओगला का हनुमान मंदिर। तो अब जा रहे हैं नीचे लो, तो चल रहे हैं यहाँ पिथौरागढ़ को। आइए मेरे गाँव का रास्ता, मैं निकल चुकी हूँ पिथौरागढ़ के लिए, तो आगे भी चलते हैं। ये है यहाँ का रास्ता, ओगला से नीचे पहुँची हूँ अभी। ये चरमा का पुल है, और ये चरमगाड़ नीचे दिखाती हूँ मैं आपको।
खुदाई से है चरमा की नदी। देखो मैं जा रही हूँ आगे तो ये आर्मी रे बुरा मार क्यों देखते चल रहा है भंडारा तो उनका पार्ट था आज तो दिखती नहीं क्या करेगा इसे देखो नहीं बाबा नहीं तो आंटी आ रही है आंटी आ गई है देने के लिए प्रसाद थैंक यू आंटी चलो भाई हाँ चलते हैं मेरे बुत्ती का घर दिखते देख ले अपना घर ये यहाँ का व्यू तो अभी मैं जा रही हूँ खिर्चना पहुँचने वाली हूँ तो दीप्ति के घर से तो मैं आई ही थी ना मेरे दोस्त का घर था दीप्ति का जो कि मेरे व्लॉग में पहले भी आ गई है तो उसका ही घर था ये तो यहाँ पर पार्ट चल रहा था तो तब मैं गई थी प्रसाद आंटी ने दे दिया खाना तो मैं घर से खा के आई थी पहले बात तो पेट भरा था इसलिए मैंने खाना नहीं खाया प्रसाद ले लिया मैंने पहुँची मैं मंदिर में तो पलेटा से आ गई ये मंदिर पड़ता है शिव जी का अभी बिल्कुल चट्टान से लगा हुआ है तो चलते हैं हम आगे को हम थोड़े घर ना पूरे चमका दिए अच्छी ड्राइंग बना रखी है मोती देख सकते हैं आप लोग ने हमको दिया था पूरी और ये पंचोला मैं लाई थी कनाली जीना से तो अभी सबको बांट